नमस्कार दोस्तों, मैं कलकत्ता भारत से आज मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ होंडा मोबिलियो का लॉन्ग टर्म रिव्यू। ये मेरा खुद का गाड़ी है। इस गाड़ी को मैंने अभी तक 72,000 किलोमीटर चला चुका हूँ। इस वीडियो में आपको बताना चाहता हूँ, अगर इस गाड़ी को आप एज अ सेकेंड हैंड देख रहे हो तो आपको क्या क्या चीज़ें देखना चाहिए। इतना 1,000 किलोमीटर चलाने के बाद मुझे कोई दिक्कत आ रहा है कि नहीं, क्या क्या सुविधा है इस गाड़ी में, इस सभी चीज़ों को मैं इस वीडियो में आज आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए चाबी से शुरुआत करते हैं। ऐसा कुछ चाबी आपको मिलेगा, सिर्फ लॉक अनलॉक का बटन ही है इसमें। फ्रंट से ऐसा कुछ दिखता है। ये रहा इसका हेडलाइट्स। यहाँ पे कंपनी फिटेड हेलोजन आता है। अगर आप चाहते हो तो इसको आप एलईडी से भी रिप्लेस करवा सकते हो। ये है गाड़ी का साइड प्रोफाइल। ये एक 7 सीटर गाड़ी है तो आपको थर्ड रो ऑफ सीट्स भी मिल जाएगा इसमें। और ये रहा आपका बैक प्रोफाइल इस गाड़ी का। ये सातों सीट रहने से भी आपको पीछे में अच्छा खासा बूट स्पेस मिल जाता है। मैं आपको बूट स्पेस आपको मिल जाएगा इस गाड़ी में। आराम से आप यहाँ पे 3 सूटकेस रख ही सकते हो। इस गाड़ी से मैं कलकत्ता से बनारस का ट्रिप करके आया हूँ तो उसमें मुझे सामान का कोई भी दिक्कत आया नहीं। इसका इंजन बे भी खोल के दिखा देता हूँ। ये रहा होंडा का 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन। ये सेम इंजन है जो होंडा सिटी में भी यूज होता है। चलिए अभी गाड़ी का अंदर जाके मैं आपको दिखाता हूँ। मैं अभी आपको एक ड्राइवर सीट का एक वॉक अराउंड दे देता हूँ। ये जो आप देख पा रहे हो ये मैंने अलग से लगवाया है। ये वेंटिलेटेड सीट का काम करता है। यहाँ पे एक पंखा लगा हुआ है जो कि आपका गाड़ी स्टार्ट होने से चालू हो जाने से यहाँ से और यहाँ से आपका हवा निकलता है। यहाँ पे ड्राइवर साइड में आपको चारों पावर विंडोज का कंट्रोल मिल जाता है। ये रहा ORVM का कंट्रोल का स्विच और ये आपका लॉक करने का स्विच है विंडोज को। यहाँ पे आपको सिर्फ वन टच डाउन ड्राइवर साइड विंडो का बटन मिलता है और बाकी सारे आपका मैनुअल स्विचेस है। आपको ड्राइवर सीट से बहुत ही बेसिक इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है यहाँ पे। ये है आपका टैकोमीटर, स्पीड मीटर और यहाँ पे आपका वार्निंग लाइट वगैरह आ रहा है। ये रहा एक एंड्रॉयड सिस्टम जो मैंने अलग से लगवाया है। ये भी अच्छा काम करता है। जो कंपनी से फिटेड आया था उसको चेंज करके ये वाला लगाया है। इसमें आपका मैप वगैरह सब कुछ चलता है। और उस तरफ ये रहा बस एक ग्लव बॉक्स। ये कूल्ड भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, जस्ट नॉर्मल ग्लव बॉक्स। ये रहा आपका मैनुअल एसी का। जो माइलेज मुझे इस गाड़ी में मिल रहा है वो अराउंड आपका 10.10 किलोमीटर पर लीटर। ये पेट्रोल मोबिलियो IVTEC का माइलेज बोल रहा है। ये डीजल नहीं है, ये पेट्रोल है। एसी चला के फुल ये माइलेज आपको मिलेगा और ये माइलेज आपका कैलकुलेट हुआ है 878 किलोमीटर्स का जो रन हुआ है उसके बाद। ये जो माइलेज मैं आपको दिखा रहा हूँ ये एकदम शहर का माइलेज है, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में। और इतना किलोमीटर मेरा गाड़ी चल चुका है अभी तक। ये सेकेंड रो ऑफ सीट्स में आप आराम से 3 लोग बैठ सकते हैं और ये जो बैक रेस्ट है इसको आप एडजस्ट भी कर सकते हैं। ये वाला रहा वो स्विच। इससे आपका पूरा सीट फोल्ड भी हो जाता है और अगर आप बैठ के इसको प्रेस करोगे तो इसका जो बैक रेस्ट का जो एंगल है इसको आप थोड़ा हिला भी सकते हो। आपको पीछे में भी रूफ माउंटेड एयर वेंट्स मिल जाता है और इस गाड़ी में 2 सीलिंग लाइट्स है, सामने में एक, ड्राइवर साइड में और पीछे में भी एक। मैं अभी आपको इसका थर्ड रो का स्पेस दिखा देता हूँ। तो थर्ड रो में जाने के लिए बहुत ही एक सिंपल तरीका है। इसके लिए आपको ये वाला जो स्विच है इसको एक बार दबाना पड़ेगा तो ये पूरा सीट एक साथ उठ जाता है। तो उसके बाद आपको थोड़ा झुक के जाना पड़ेगा थर्ड रो ऑफ सीट में। ये थर्ड रो ऑफ सीट को भी आप एडजस्ट कर सकते हो इसका बैक का पोजिशन को, राइट। यहाँ पे एक स्विच दिया हुआ है और ये जो थर्ड रो में जो हेडरेस्ट है ये भी आपका एडजस्टेबल है। रिलैक्स होके जाना चाहते हो तो आप इस थर्ड रो में
बैठ सकते हो और ये वाला सीट को थोड़ा उठा के एकदम रिलैक्स होके सो के जा सकते हो। यहाँ पे आप एक ड्रिंक रख लो, कोई पानी का बॉटल या फिर कोल्ड ड्रिंक्स कुछ भी, तो आप उसको एंजॉय करते करते रिलैक्स होके जा सकते हैं। चलिए, तो अभी गाड़ी चलाते चलाते इसके बारे में बात करते हैं। तो इस गाड़ी को लेकर के मैं अभी तक बहुत सारे लंबे ट्रिप कर चुका हूँ, अभी तक भी कभी भी मुझे ये गाड़ी धोखा नहीं दिया है। इसका एसी भी बहुत ही इफेक्टिव है और इसका जो इंजन है ये सुपर रिलायबल है। तो अभी तक मैंने जो हाईएस्ट चलाया है इसको, एक दिन में 800 किलोमीटर के आसपास मैंने एक दिन में चलाया है इस गाड़ी को। सो अगर इस गाड़ी में आप सातों बंदों को भी बैठा के चलाते हो तो आपको फील नहीं आएगा कि गाड़ी में पावर नहीं है या फिर ऐसा कुछ, कभी भी मुझे आज तक लगा नहीं। मैं इसको लेकर के हिल्स में भी जा चुका हूँ, इसको लेकर के मैंने पुरुलिया बोल के एक जगह है बंगाल में, वो थोड़ा हिली एरिया टाइप का है, तो वहाँ पे भी जा चुका हूँ, तो वहाँ पे भी मुझे अभी तक कोई भी दिक्कत आया नहीं है। हाईएस्ट स्पीड जो मैं इस गाड़ी को लेकर के गया हूँ वो है 180, तो उसमें भी मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि ये गाड़ी थोड़ा अनस्टेबल हो रहा है या फिर कुछ। तो और यहाँ पे अगर मैं सातों बंदों को भी बैठाता हूँ उसके बाद भी कोई पावर लैग या फिर कुछ, एज ये एक नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है तो यहाँ पे टर्बो लैग का कोई सीन है भी नहीं। तो और ये आपको पता ही है, होंडा का 1.5 लीटर पेट्रोल जो इंजन है वो सुपर रिलायबल इंजन है, तो उसमें भी कोई दिक्कत है नहीं। तो ये इसका जो एसी है ये भी आपका जो फर्स्ट दिन में जैसे काम करता था अभी भी वैसा ही, उतना ही इफेक्टिव है और उतना ही अच्छा काम भी करता है। तो अभी आते हैं, अगर आप इसको एज अ सेकेंड हैंड बाई कर रहे हो राइट, तो क्या क्या पॉइंट्स आपको देखना चाहिए। पहला है, आपको देखना पड़ेगा इसमें इसका जो सस्पेंशन है राइट, तो इसका सस्पेंशन आपको अच्छे से थोड़ा देखना पड़ेगा। इसका सस्पेंशन में कभी कभी आपका इश्यू आ जाता है थोड़ा सा, जो आपका जॉइंट्स है वगैरह, ये जितना भी इसका एज बढ़ता रहता है तो इसका जो लुब्रिकेशन है ये सब कुछ आपका कम होता रहता है राइट। तो अगर आप इसको सेकेंड हैंड देख रहे हो, इसका सस्पेंशन को देखो, इंजन का जो हिस्ट्री है सर्विस हिस्ट्री है उसको थोड़ा चेक करने का कोशिश करो कि ये टाइम टू सर्विस हुआ है कि नहीं। अगर इसको आप देख के ये गाड़ी को लोगे तो अगर ये 2 लाख किलोमीटर भी चल जाएगा ये इंजन, तो मुझे लगता नहीं कि इसमें कोई दिक्कत आने वाला है अगर ये टाइम से सर्विस हुआ है तो। चलिए, तो अभी कंक्लूशन के बारे में बात कर लेते हैं। अगर ये गाड़ी आपको मिलता है सेकेंड हैंड मार्केट में और अगर आप इसका सर्विस रिकॉर्ड वगैरह सब कुछ चेक कर सकते हो, तो ये गाड़ी आप आंख बंद करके ले लीजिए। इसमें जो स्पेस मिलता है, जो कंफर्ट मिलता है और जो इसका प्राइसिंग है अभी सेकेंड हैंड मार्केट में, आपको अराउंड 5 लाख के आसपास या फिर उससे भी कम में आपको ये गाड़ी मिल जाएगा। 2016-17 का मॉडल, बहुत ही बढ़िया गाड़ी है। माइलेज का थोड़ा इशू होगा शायद आपको अगर आप इसको शहर में चलाते हो। हाईवे में मुझे हाईएस्ट अभी तक 19 किलोमीटर पर लीटर तक मिला है इस गाड़ी में। अगर आप इसका डीजल वर्शन के लिए देखते हो तो वो भी ले सकते हो, वो भी बहुत बहुत ही अच्छा इंजन है, लेकिन एक ही इशू है, वो थोड़ा नॉइजी इंजन है। तो ये आपको ध्यान रख के अगर आपको ये मिलता है तो आप इसको जरूर लीजिए। जैसे मैंने इसको लिया था सेकेंड हैंड, उसके बाद मैंने इसको चलाया अच्छे से, उसके बाद मैंने इसका पेंटिंग करवाया। आप ये जो देख पा रहे हो, ये जो ब्लैक जो रूफ है और ये ए पिलर है, ये मैंने अलग से करवाया है और ये बॉडी भी मैंने पेंट करवाया। अगर इसको आप पेंटिंग वेंटिंग करा लोगे, इंजन अगर आपका सही रहता है तो आप इसको चलाते रहो। और अभी तो आरटीओ नॉर्म्स भी चेंज हो गया है, पहले जो 15 साल का जैसे था अभी वो चेंज हो के जितना दिन तक ये फिट रहेगा उतना दिन तक आप चला भी पाओगे। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगा है तो इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल आइकन दबा दीजिए। और भी नया कार कंटेंट वीडियोस अभी आएगा इस चैनल में रेगुलर बेसिस पे। नमस्ते, धन्यवाद।